ओके गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। अगर उन अच्छे कामों में से एक अच्छा काम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है तो मेरा ये वीडियो, मेरा चैनल आपको डेडिकेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन इक्वालिस चैप्टर में से एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें 90% स्टूडेंट ये क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं। अगर ये क्वेश्चन उनको कहीं सैंपल पेपर या किसी प्रैक्टिस सेट में मिल भी जाता है और जब वो आंसर चेक करते हैं इसका, तो उनको लगता है नहीं, ये आंसर जो है ये रॉन्ग है, ऐसा हो नहीं सकता। कौन सा वो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा और क्या उसका अप्रोच होगी, कैसे उसको सॉल्व करना है और क्यों मोस्टली वो बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है, वो सब जानेंगे हमारी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है, आपको पता है इनक्वालिटीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये स्टेटमेंट दी होती है, हमको ये दो कंक्लूजन दिए हैं, हमको चेक करना है इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब जिन बच्चों को पता है इनइक्वालिटी चैप्टर के बारे में, उनको पता है कि अगर बी ग्रेटर देन डी प्रूव करना है तो मेरे को सिंपली ये देखना होता है बी और डी के बीच में क्या एक साइन ग्रेटर का है। तो मैं यहां चेक करता हूं बी और डी के बीच में कोई भी साइन ग्रेटर का नहीं है, इट मीन्स मैं यहां पे इसको क्या कर दूंगा, रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है, कि ये फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद मुझसे पूछा है ए इक्वल टू डी, और इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि सारे साइन बीच में क्या होने चाहिए, इक्वल के होने चाहिए ए और डी के बीच में। तो ए और डी के बीच में सारे साइन इक्वल के नहीं है, यहां पे ये वाला साइन आ गया, तो फिर मैं इसको भी कर दूंगा रॉन्ग, दोनों को मैं कर दूंगा गलत, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट यही आंसर टिक करके आएंगे कि दोनों के दोनों फॉलो नहीं करेंगे, नन इज फॉलो। बट अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। अब आप सोचोगे यार आइदर कैसे हो गया, कि जिस भी कोचिंग सेंटर में या किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हो या फिर कहीं से आपने खुद सेल्फ स्टडी की है तो आपने ये देखा होगा आइदर तो हमेशा उनमें लगता है जब सेम बंदों की बात हो रही होगी, कि अगर यहां बी और डी की बात हो रही है और नीचे भी बी और डी की बात हो रही होगी तभी तो आइदर यूज करते हैं हम, लेकिन यहां तो पर्सन ही अलग है, ऊपर बी डी है नीचे ए डी है, तो फिर इन दोनों में आइदर कैसे यूज हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं इनमें आइदर ही लगना है, क्यों लगना है, कैसे लगना है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है सी या तो डी से बड़ा है या फिर क्या है, इक्वल है। अब मैं फर्स्ट कंक्लूजन को देखता हूं, बी ग्रेटर डी, क्या बी ग्रेटर डी है तो नहीं, बट पॉसिबल है अगर इन दोनों साइन में से यहां पे ये वाला साइन होता ग्रेटर का, क्योंकि तो यहां अगर ग्रेटर होता तो बी की तरफ ग्रेटर का साइन आ जाता, बीच में ऑपोजिट साइन कोई नहीं होता, तो ये चीज ट्रू हो जाती। बट अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो इसका मतलब मैंने यहां पे फिर कौन सा साइन कंसिडर किया है, इक्वल वाला साइन कंसिडर किया है, तभी तो मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूं। अगर तो मैंने ये वाला साइन कंसिडर किया होता तो इसका मतलब तो ये तो फॉलो करना था। अगर मैं इसको रॉन्ग कर रहा हूं तो तभी रॉन्ग कर सकता हूं अगर मैंने यहां पे ये सोच के चला हूं कि यहां इक्वल भी तो हो सकता है, अगर इक्वल होगा तो फिर यहां ए और डी के बीच में सारे इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये वाली मेरी सही हो जाएगी। कहने का मतलब मैं यहां पे दोनों में से कोई एक साइन रख सकता हूं, या ग्रेटर का या इक्वल का। अगर तो मैं ग्रेटर का रखता हूं तो फिर मेरा फर्स्ट कंक्लूजन मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर मैं इक्वल का रखता हूं तो मेरे को मेरा सेकंड कंक्लूजन फॉलो करना पड़ेगा। इट मींस दोनों में से मेरे को कोई ना कोई एक कंक्लूजन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस केस में तभी हमने यूज किया है आइदर वन और टू, या तो मेरे को पहला ठीक करना पड़ेगा या तो दूसरा ठीक करना पड़ेगा। तो आप ये गलतफहमी माइंड से निकाल दीजिए कि जब दो बंदे सेम होंगे तभी हमको आइदर यूज करना है, अदरवाइज हमको आइदर यूज नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां पे क्यों आइदर लग रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम बंदों में ही आइदर लगेगा। अब ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आ जाता है, जब भी आप एसबीए पीओ मेंस का एग्जाम देते हो या कोई और एग्जाम देते हो तो हम जल्दी जल्दी वहां पे रॉन्ग करके आ जाते हैं, इसको दोनों को नो फॉलो कराते हैं, जब दोनों को नो फॉलो कराते हैं तो हमारा वहां पे आंसर जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो यहां पे आइदर लगना है, आप हमेशा चेक कीजिए, अगर ये साइन है या तो ये फॉलो करेगा या तो ये फॉलो करेगा, अगर ये फॉलो करेगा तो मेरे को ये ठीक करना पड़ेगा, ये फॉलो करेगा तो मेरे को ये ठीक करना पड़ेगा, दोनों में से एक ठीक करना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटीज का यही वो क्वेश्चन था जिसको 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं। अगर आपको ये चीज पहले से पता थी, आप उन 10% बच्चों में से हो जिनको ये नॉलेज थी, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। और आपका एग्जाम अगर क्रैक हो चुका है, तो नहीं हुआ तो फिर जल्दी से क्रैक होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही डीप चीजें होती हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो है मैं आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू।